आएगा, इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब समाज के अंदर शांति और सद्भावना का माहौल होगा। इसलिए कभी कभी समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि तार को पर्यावरण के कारण से, प्रदूषण के कारण से नुकसान पहुंच रहा है। हमारे दिल्ली में भी पर्यावरण प्रदूषण की बहुत समस्या होती है, किंतु बंधुओं मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण से भी ज्यादा खतरनाक वैचारिक प्रदूषण है। ये जो शांति वर्ग की शांति और सद्भावना की यात्रा शुरू हुई है, कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आज आगरा में उसका प्रारंभ है, और 18 तारीख को जहां से देश को प्रधानमंत्री मिला उसी गांधीनगर अहमदाबाद के अंदर कार्यक्रम है वसुदेव कुटुंबकम पे, और उसी के साथ मैं यूरोप की यात्रा पर इसी शांति विश्व शांति सद्भावना की यात्रा पे प्रस्थान कर रहा हूँ, ऑस्ट्रिया वियना स्विट्जरलैंड होते हुए, और 7 तारीख को वेटिकन सिटी में रोम में पोप के साथ एक इंटरफेथ मीटिंग है, और उसके साथ क्योंकि जठरग्नि और प्रोडक्टनि का बड़ा संबंध होता है। ऐसे के अंदर घड़ी के अंदर सुइया जब बैठ भेजने को जा रहे हैं, और वसुदेव कुटुंबकम का हाथ खड़े करके जो संदेश देना है, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ बंधुओं और बहनों, धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा घृणा भय और नफरत का कोई स्थान नहीं हो सकता। तब स्वामी जी कह रहे थे कि हमारे आचार्य जी अनेकता में एकता की बात बहुत करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि ये मुझे भगवान महावीर के अनेकांत दर्शन मुझे विरासत में मिला है, और अनेकांत कहता है कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है, विचार भेद रुचि भेद चिंतन भेद ये सब स्वाभाविक है, किंतु और लोकतंत्र के अंदर मतभेद को विकास का माध्यम माना गया है। जिस सभागार में ये सभा हो रही है मैं समझता हूँ यहाँ पर भी अनेक मत आते होंगे, किंतु मतभेद कभी मनभेद का रूप धारण न करे, ये अनेकान दर्शन ने सिखाया है, ये भगवान महावीर के दर्शन ने सिखाया है। अवसर पर मैं आप सबको भी यही आह्वान करता हूँ, और जिस मंच पर हमारे मेयर साहब ने, अशोक जी ने और आप सभी ने मिलकर के इस मंच को जिस तरह से सजाया है, मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें, यह तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, और लेकिन बोलने में बहुत सरल होता है, किंतु बंधुओं उसके लिए कार्य करने की जरूरत है, और आज ये आगरा से जो कार्य शुभारंभ हो रहा है, आप भी सभी शुभकामना कीजिए, सद्भावना कीजिए, क्योंकि भारत सरल बलिदान कठिन है, पतन शायद उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है, किंतु मैं देखता हूं जो निर्माण की ठान लेते हैं। मैं जब यूके लंदन गया, जब पार्लियामेंट में मुझे सम्मानित किया जा रहा था, मैंने वहां पर देखा हमारे भारत का गया हुआ एक सपूत, जिसे लोग जो है गुरु जी के नाम से जानते हैं, गुरु जी राज राजेश्वर जी के नाम से जानते हैं, किस तरह से भारतीय संस्कृति का वहां परचम फहराए हुए हैं। हमारी भारत की मौलिक विशेषता है अनेकता में एकता की, सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है, और उस बहुलता वाली संस्कृति को जिस तरह से गुरु जी आप फैला रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे मित्र को पाकर के और आज मैं इस अवसर पर, चूंकि ये सभी लंदन से आए हैं, मैं तो आपका भारत का भी हूं, नवीन जी से कह रहा था कि आपने घर वाले को मेहमान बना दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और यही आशा करता हूं कि ब्रिटेन और भारत मिलकर के, भारत की बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, देश को एक विजय वाला प्रधानमंत्री मिला है, और हम चाहते हैं कि भारत और ब्रिटेन मिलकर के हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी और भूखमरी के खिलाफ जो है मिलकर के काम करें। मैं समझता हूं मिस्टर बॉब, हम सभी को है टेररिज्म और वायलेंस के अगेंस्ट के अंदर यूनाइटेड रूप से काम करें, हम पॉवर्टी के विरुद्ध जो है संगठित होकर के काम करें, और इसलिए सभी हाथ उठा करके, हाथों में हाथ देकर के इस संकल्प को व्यक्त कर रहे हैं कि हम सभी
भारत और ब्रिटेन मिलकर के सभी को है, बल्कि मैं चाहूंगा इन हाथों में हाथ दिए हुए सभी सबक को दोहराएंगे, मैं संकल्प करता हूँ